तो दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जो हमारा नाव और धारा यानी कि बोर्ड एंड स्ट्रीम चैप्टर था उसके क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 29 से, क्योंकि हमने 28 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना, जहाँ टोटल 6 पार्ट्स में वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब हम ये सातवां नंबर पार्ट नंबर 7 है जहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर से चलने वाली नाव धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में पहुँचता है। ठीक है, तो मोटर से चलने वाली नाव की ठहरे हुए पानी में, मतलब स्थिर पानी में गति क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, अगर आपने ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि इस ढंग का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप पीछे वाले पार्ट को अच्छे ढंग से देखिए, जहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको करना क्या है, बस इसका आंसर ही कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम ना गवाते हुए अब करेंगे हम 30 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 29 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, आप खुद ही इसका आंसर कर सकते हैं। देखते जो 30 नंबर यानी 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 48 किलोमीटर दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। ठीक है, यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है तो धारा की गति क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने करवा दिया, चलिए फिर से मैं इस क्वेश्चन को भी बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा, इस टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे इसको अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए क्वेश्चन मैं और एक बार समझाता हूँ। एक आदमी 48 किलोमीटर दूरी तक जाने और वापस आने, मतलब ये कि कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक इंसान है जो क्या करता है, पहले तो धारा के साथ गया फिर धारा के उल्टे वापस आ गया। तो बोला क्या है कि एक आदमी 48 किलोमीटर दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे लेता है, मतलब एक बार गया फिर वापस आया तो जाके लिया कितना, 14 घंटा। ठीक है, और ये कि एक बार 48 किलोमीटर गया, आप ऐसे समझिए 48 किलोमीटर गया फिर 48 किलोमीटर आया तब जाके उसको 14 घंटा समय लगा। यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मतलब जितना समय में वो 4 किलोमीटर जाने में जो भी समय लेता है, मान लेते हैं कि कुछ भी एक समय लेता होगा, ठीक है, कोई भी एक टाइम लेता होगा, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आने में भी टाइम क्या होता है, उतना ही लेता है। तो आपको बताएं धारा की गति क्या है, मतलब धारा की गति मतलब क्या, Vs क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लेते हैं कि जो धारा की गति है यानी Vb है वो क्या है, x है, जबकि Vs जो है वो y है। Vb जो है यानी वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति जो होगी y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इतना क्लियर है, जब आपका इतना क्लियर है तो यहीं से एक आप पॉइंट पकड़ सकते हैं, क्या पॉइंट, चूंकि वो बोला कि 4 किलोमीटर जाने में जो समय लेता है 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है, तो टाइम दोनों का बराबर है, तो इस स्पीड और इस डिस्टेंस से आप दोनों का टाइम इक्वल कर सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है, आप 4/x यानी डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आ जाएगा, इधर भी डिस्टेंस जो कि 3 है बट्टा में आप क्या करेंगे स्पीड लिखेंगे तो टाइम आ जाएगा। देखिए ये दोनों टाइम क्या आपस में बराबर है, यानी आप लिख लीजिए बराबर, हो गया इतना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक गलती हुआ है, गलती क्या है कि चूंकि ये धारा के साथ गया तो धारा के साथ जब भी जाता है तो हम क्या लिखते हैं, वीबी प्लस वीएस, जो स्पीड होता है वीबी प्लस वीएस, तो हमने तो यहाँ पर सिर्फ वीबी लिखा, वीएस कहाँ लिखा, तो एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि उल्टा आया ना तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीएस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस का वाई। अब क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको आसानी से ये समझ में आएगा ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए हमको 4x-4y इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 3x+3y। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x, 4x से 3x घट जाएगा ना, तो हो जाएगा x। और अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा बराबर, अब ये 4y इधर जाएगा तो ये माइनस का 4y इधर जाएगा तो प्लस का 4y, सॉरी प्लस का 4y हाँ, और 3y के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7y। तो x बाई वाई हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 7/1। तो देखिए x और y का अनुपात क्या निकल गया आपका 7:1। तो इसी को हम क्या करेंगे, स्पीड मतलब इसको किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके स्पीड एक्चुअल स्पीड मान लेंगे। तो x इक्वल टू मान लेते हैं कि 7s, ठीक है, और y इक्वल टू मान लेते हैं कि 1s, ठीक है, मतलब धारा के साथ जो है vb जो है, सॉरी धारा के साथ नहीं, जस्ट जो vb है वो क्या है आपका 7s है, और जो आपका vs है वो मान लेते हैं कि 1s है। इतना क्लियर हुआ, इतना जब क्लियर हुआ तो आगे अब देखिए इसी के हेल्प से आप सॉल्व अब आसानी से क्या कर सकते हैं, इस जो 14 घंटा है इसको लेके और एक इक्वेशन बना के आप आराम से जो आपको निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है आपको, देखिए आपको धारा की गति वो आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए अगर हम 48/2, देखिए चूंकि ये धारा के साथ जा रहा है ना, धारा के साथ जा रहा है मतलब क्या, ये लिखे 48 जो कि ऊपर डिस्टेंस और नीचे क्या लिख देते हैं स्पीड, ठीक है स्पीड, तो स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए स्पीड आपका हो जाएगा चूंकि धारा के साथ जा रहा है तो vb प्लस vs, तो vb कितना आपका 7 और ये 1, 7 और 1 कितना हो गया 8s, एक बार गया फिर वापस आया तो प्लस 48/2, वापस भी तो 48 किलोमीटर ही आया ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा vb-vs, क्योंकि वापस आ रहा है उल्टे जा रहा है ना इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 7s-1s यानी 6s, ठीक है। बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम, ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, बराबर 14, ठीक है, तो समझ में आया ये दोनों आपस में बराबर। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर s हो जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर x लिख दिया था, ठीक है, देखिए 7s और 1s से जुड़ेगा तो 8s होगा, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या आपका, ये भी हो गया आपका टाइम, ये भी टाइम, ये जाने का टाइम और ये वापस आने का टाइम, ये जाने का और ये वापस आने का, बराबर 14 घंटा लग रहा था, बस इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ गया। चलिए पहले इसको छोटा कर लेते हैं, तो 8 से कटेगा 48, 6 से कटेगा 6 8 48, ठीक है, तो 6/1s और 8/1s आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या रह जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपली सॉल्व कर सकते हो, 6 और 8 कितना हो गया 14, ठीक है, बराबर ये s इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 14s, 14 से ये 14 कट गया मतलब 1 इधर हो गया और इधर क्या हो गया s इक्वल टू कितना आ गया 1, s इक्वल टू कितना आ गया 1। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कहाँ गया, अच्छा आपसे पूछा है कि दिख रहा है, आपसे पूछा है क्या, तो धारा की गति क्या होगी, धारा की गति देखिए आपने क्या माना था, y माना था धारा की गति है ना, तो y का वैल्यू देखिए कितना है 1s है, तो s का वैल्यू तो 1 है, यानी हम क्या बोलेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, आप इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, इतना कुछ करने का जरूरत आपको बिल्कुल ही नहीं है, जल्दी जल्दी करके भी क्या करते हैं बहुत सारा जो स्टेप्स है उसको स्किप कर सकते हैं, जैसे समझिए कि ये जो पूरा का पूरा जो स्टेप्स था इसको करने का जरूरत ही नहीं था, आप यहीं से समझ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये जो 30 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर होगा, एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर दूरी तय करती है, धारा के विरुद्ध, ठीक है, 5 घंटे में 32 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा धारा की दिशा में 6 घंटे में 49.2 किलोमीटर दूरी तय करती है, सांद जल में नाव का वेग क्या होगा आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको हम आप क्या करते हैं यहाँ पे स्किप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस तरफ का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कर दिया, जो कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक में एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, शायद वो पार्ट 4 या 5 में ही है, ठीक है, आप वहाँ से जाके इस टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आई होप आप खुद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर होगा, एक नाव प्रतिकूल दिशा में 8 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के अनुकूल दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्थिर धारा में नाव का वेग क्या होगा आपको बताना है। ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है, चलिए फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में फिर और एक बार रिपीट करता हूँ क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन था, एक नाव प्रतिकूल दिशा में 8 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है, प्रतिकूल में मतलब क्या उल्टा, तो जब भी उल्टा हो तो क्या इक्वेशन यूज करते हैं, vb माइनस का vs बराबर,
क्या हो जाएगा, क्या चल रह जाएगा, चूंकि 8 घंटा में 48 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 8 घंटा में 48 किलोमीटर ठीक, 8 घंटा में 48 किलोमीटर तो 1 घंटा में कितना 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया स्पीड। अच्छा आप समझ चुके होंगे। आगे तथा धारा के अनुकूल दिशा में 6 घंटे में 36 यानी 6 VB + VS जो है वो 6 घंटे में कितना 6 घंटे में 36 यानी हम बोल सकते हैं स्पीड क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा तो स्थिर धारा में नाव का वेग क्या होगा, आपको वी भी पूछा है ठीक है, तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। VS कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, यहाँ पे हो गया 2VB बराबर यहाँ पे हो गया 12, दो से कट गए कितने बार में 6 बार में है ना, तो VB = कितना हो जाएगा, VB = हो जाएगा आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग। एक नाव की धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तथा धारा के विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलाया जाता तो धारा की चाल क्या होगी, ये भी सेम क्वेश्चन। चल मैं इक्वेशन सिर्फ बना देता हूँ आपका। तो एक बार बोला है कि VB + VS ठीक है, वही बोला ना, एक नाव की धारा की दिशा में VB + VS क्या हो जाएगा 15.5, एक बार बोला है VB - VS = कितना, तो 8.5। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा धारा की चाल क्या होगी, तो बस इस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आप जो आंसर आएगा कमेंट में लिखिए क्या आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 होगा हमारा, ठीक है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा पर डाउन स्ट्रीम और 2 किलोमीटर प्रति घंटा पर अप स्ट्रीम तैर सकता है तो स्थिर जल में क्या होगी, सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन 33 नंबर की तरह ही है, बस यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा प्रतिकूल, और अप स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब ये अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल। अप स्ट्रीम मतलब क्या, धारा के विपरीत, मतलब आपका फिर से दिया हुआ है VB + VS = कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, VB - VS = कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, जो भी आपको VB निकालने बोले या VVS निकालने बोले आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तो हमारा जो 35 नंबर क्वेश्चन है, एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में 6 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप इस तरह से लिख लीजिए यू यानी अपस्ट्रीम, डी यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और टी यानी कि टाइम, ठीक है। जो भी आपका डेटा आता है, मान लीजिए कि अपस्ट्रीम में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाता है, ठीक है, ये आपको लिखना है किलोमीटर, और यहाँ पर भी लिखना किलोमीटर, कितना डाउनस्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाता है, तो मान लीजिए अपस्ट्रीम में कितना एक्स किलोमीटर जाता है, डाउनस्ट्रीम में कितना वाई किलोमीटर जाता है, और टी टाइम पे जाता है, ठीक है। उसके बाद अपस्ट्रीम में मान लेते हैं कि फिर से दूसरे टाइम X2 किलोमीटर जाता है, डाउनस्ट्रीम में Y2 किलोमीटर जाता है, और T2 टाइम में जाता है। तो करना क्या था, मैं आपको बताया था कि इस तरह से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखते रहिए, जैसे मुझे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर लिखिए X2 Y1, ठीक है, माइनस इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा X1 Y2 बट्टा में, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए Y1 T2, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा Y2 T1, ठीक है, ये जो आएगा ना आपका, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल स्पीड, धारा के प्रतिकूल स्पीड मतलब गति या चाल, ठीक है। तो आपने मैं कैसे बता दिया कि ये जो आपका आएगा ये धारा के
प्रतिकूल स्पीड आएगा, क्योंकि आपने डाउन स्ट्रीम के, याद रखिए मैं एक यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ, जब आप डाउन स्ट्रीम के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड आएगा, ठीक है। उसी तरह से जब अप स्ट्रीम से डाउन टाइम को गुना करेंगे तो आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड आएगा, यानी कि देखिए ऊपर वाला तो ये सेम ही रहेगा, मतलब एक्स टू वाई वन माइनस एक्स वन वाई टू बट्टा में यही चेंज होने वाला है। ये चेंज कैसे होगा, तो अब अप स्ट्रीम से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, टाइम को, तो यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स वन टी टू माइनस एक्स टू माइनस टी वन एक्स टू माइनस सॉरी माइनस नहीं इंटू टी वन, ठीक है। अब ये जो टोटल आपका आया ना, ये आपका आया धारा के प्रति सॉरी प्रतिकूल चाल, ठीक है, यानी स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ डाउन सॉरी ये तो आपका डाउन स्ट्रीम ऑलरेडी डाउन से मल्टीप्लाई किया था, अपने डाउन से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अप स्ट्रीम आ जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम नहीं होगा, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब आपने चूंकि क्या किया, अप स्ट्रीम से टाइम को मल्टीप्लाई किया है, अप स्ट्रीम के साथ टाइम को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। बस इसी ट्रिक पे लगा के आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे, एक बार आ गया वी बी प्लस वी एस, यानी कि ये क्या हुआ, ये मिला आपको प्रतिकूल चाल मिल चुका, एक बार आपको मिल जाएगा वी बी माइनस वी एस या अनुकूल चाल आपको मिल जाएगा, जो भी चाल सॉरी ये प्रतिकूल चाल आपका मिल जाएगा, है ना, वी बी माइनस वी एस यानी प्रतिकूल चाल आपका मिल जाएगा, तो जो भी यहाँ पर ये अनुकूल चाल हो यहाँ पर लिख लीजिए, जो भी प्रतिकूल चाल हो यहाँ पर लिख लीजिए, आगे तो आपको पता ही है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो भी आपको निकालने के लिए बोले वी बी या फिर वी एस, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ अगले पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट जब पार्ट नंबर 8 मैं अपलोड करूँगा तो इस क्वेश्चन से 35 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व सबसे पहले मैं इसी को क्या करूँगा, सॉल्व कर दूंगा, जिससे क्या हो आपको और भी ज़्यादा इसमें क्या हो सुलूयत हो सके, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए सीखते रहिए।